जो हम देख रहे हैं विच इज JN.1 इज नाउ इमर्जिंग एज द डोमिनेंट वेरियंट एज फार एज COVID-19 इज कंसर्न. वी आर सींग दिस इन अदर कंट्रीज ऑल्सो दैट दिस वेरियंट इज नाउ बिकमिंग मोर एंड मोर इन्फेक्टिव एंड दैट इज बिकॉज दिस वेरियंट हैज टू थिंग्स. वन इज दैट इट इज मोर ट्रांसमिसिबल, इट स्प्रेड्स मोर क्विकली देन द प्रीवियस वेरियंट, एंड द सेकेंड इज इट हैज सम इम्यून एस्केप मैकेनिज्म बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन द स्पाइक प्रोटीन, एंड उसके कारण इट इज एबल टू इन्फेक्ट मोर पीपल, एंड पीपल हु ऑलरेडी हैड कोविड ऑल्सो गेट द इन्फेक्शन. द गुड थिंग इज दैट ऑल्दो केसेज हैव इंक्रीज्ड, और अगर हम इंडिया में नहीं और यूएस की बात करें, सिंगापुर की बात करें, यूरोप की बात करें, तो हर जगह केसेज बढ़े हैं, लेकिन डेटा फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेज सजेस्ट दैट देर इज नो इंक्रीज इन हॉस्पिटल एडमिशंस और ड्रामेटिक और इंक्रीज इन एनी डेथ्स. सो इट कंटिन्यूज टू बी अ माइल्ड वेरियंट, बट वी हैव टू बी विजिलेंट, वी हैव टू बी हैव ए गुड सर्वेलेंस टू सी कि दिस डजेंट कॉज मोर इलनेस इन द हाई रिस्क ग्रुप, इन पीपल विद कोमॉर्बिडिटीज, एंड ऑल्सो दैट इट डजेंट चेंज इन टू अ वेरियंट विच कुड बी मोर थ्रेटनिंग. सो कोविड इज हेयर टू स्टे. एक तो ये हमें समझना चाहिए कि कोविड खत्म नहीं हुआ, नाउ इट इज बिकम एंडेमिक. जैसे फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, उस टाइम से कोविड भी एक वायरल इन्फेक्शन रहेगा. ज्यादातर लोगों में जुकाम, नजला, बुखार, खांसी इस टाइप के ही लक्षण होंगे, लेकिन जो हाई रिस्क ग्रुप है या जिनकी कोमॉर्बिडिटीज हैं, शुगर की तकलीफ है, हार्ट प्रॉब्लम है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उनमें ये भी चांसेस हैं कि इट कैन बिकम मोर सिवियर, कॉजिंग निमोनिया, और सैचुरेशन कम हो सकती है एंड दे मे नीड एडमिशन. लेकिन ये ऐसा नहीं होगा जो हम पहले देख रहे थे ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक कि एकदम केसेस बढ़े और ह्यूज हॉस्पिटल एडमिशन. बिकॉज टू थिंग्स हैव हैपेंड. एक तो ये वेरियंट जो है ओमिक्रॉन का ही सब लीनेज है, और वी हैव सीन कि ओमिक्रॉन इज यूजली कॉजिंग अ माइल्ड इलनेस एंड इट इज स्टेबलाइज. पहले हम डिफरेंट वेरियंट्स देखते थे, अल्फा, बीटा, डेल्टा, अब हम ओमिक्रॉन के ही सब लीनेजेस देख रहे हैं. दूसरा, ओवरऑल हमारी सिचुएशन इज बेटर बिकॉज ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी एंड बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन, तो उसके कारण वी आर बेटर प्रिपेयर्ड एज अ रेस टू फाइट द वायरस. हमारी इम्यूनिटी अच्छी है एंड वायरस इज ऑल्सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकम लेस विरुलेंट, less aggressive as compared to the past. Therefore, situation is better, but we need to be very vigilant because it's a new virus. We don't know how it will change in the future. Isliye surveillance karna aur usko monitor karna bahut zaruri hai. So, WHO has declared a standalone variant of interest. That's what it is. So, if you could elaborate on that and explain ki what does, I mean, where is it? Whenever there is कोविड जो वायरस है, इट म्यूटेट्स एंड कीप्स ऑन चेंजिंग, दैट इज पार्ट ऑफ द वायरस. जब वायरस किसी के बॉडी में आता है तो मल्टीप्लाई करता है, कॉपीज उसकी बनती है, मल्टीपल कॉपीज बनती है. समटाइम कॉपीज बनते समय कुछ एरर हो जाता है, कॉपिंग एरर, और एक नया म्यूटेशन आ जाता है. कुछ म्यूटेशन ऐसे होते हैं जिसका कोई चेंज, दे डोंट हैव नो क्लिनिकल इफेक्ट, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसके बारे में साइंटिस्ट स्टडी करते हैं लेकिन उसका कोई इम्प्लीकेशन नहीं है. फिर कुछ वेरियंट ऐसे होते हैं जिसमें केसेस बढ़ने लगते हैं, कुछ चीज हो सकती है जिसको हम कहते हैं वेरियंट ऑफ इंटरेस्ट. तो उसका यह मतलब है कि इसको थोड़ा ज्यादा क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत है. अगर उसके बाद कुछ बात हो तो हम कहते हैं वेरियंट ऑफ कंसर्न. इसका मतलब कि यह ऐसा वेरियंट है जिसके कारण सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है या जिसके कारण केसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, जिसमें बहुत म्यूटेशन हुआ है जिसके कारण इम्यून एस्केप मैकेनिज्म बहुत ज्यादा हो सकता है, वैक्सीन एफिकेसी बहुत कम हो सकती है, या ऐसा म्यूटेशन हुआ है जो टेस्ट में शायद पिकअप ना हो और टेस्ट को हमें मॉडिफाई करने की जरूरत है. अभी तक जो ये नया वेरिएंट आया है विच इज अ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट बिकम अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ इश्यू नहीं है जिससे हम ये कहें कि बहुत सीवियर केसेस होने वाले हैं या बहुत ज्यादा केसेस होने वाले हैं, सर्ज होने वाला है. इसलिए अभी इसको सिर्फ ऑब्जर्व करने की जरूरत है, बट इट नीड्स क्लोज मॉनिटरिंग एंड दैट इज वाई इट इज अ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट. So if those who have taken the booster vaccine are by and large in a safe zone, they will get protected from severe infection
and hospitalization. We need more data because this is why virus is mutated. What is the efficacy of the vaccine? One cannot say because we need more data to study and see. And these are studies which are going on. कि जो वैक्सीन्स पहले लगी थी उसका अब नए वेरिएंट के साथ एफिकेसी कितनी है. जैसे हमने पहले देखा जब नई वैक्सीन्स आई थी तो हम सब देखते थे कि इसकी एफिकेसी कितनी है, 70% है, 80% है या कम है. तो अभी जो नए वेरिएंट्स है उसके साथ कितनी एफिकेसी है, दैट नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड. Which have winter season right now. They need close monitoring. They need a lot of precautions. So what are the guidelines for those areas and how does it work? So all respiratory viral infections will show a peak or increase in number in winters. In tropical countries like India, we see two peaks in winters and also in monsoon months. Lekin tab ye hota hai ki kyunki because of winter, virus survives in the air for a longer time. People tend to crowd together. This is a holiday season also. People are traveling also. Bheed bhi jyada rehti hai. And people stay indoor more often because of the cold. So they tend to spread the infection more often. So you will see more, you tend to see more cases during this time of the year. And that is why WHO said ki in the winter months, especially in those areas where temperature is low, where it's cold, you have to be extra careful. And the careful thing that you need to do is have COVID appropriate behavior. Wash your hands regularly. Have cough etiquettes. Khansi ho to apne tissue mein khanso, don't cough in the open, and also or cough into your elbow. At the same time, wear a mask, and those who are at high risk should avoid going to crowded places, especially indoor crowded places where if someone is coughing, the infection can spread to others. And if you have fever, cough and cold, avoid going out, stay at home so that you don't spread the infection to others.